हेलो। हाँ भैया, तुम जो बताते हो वो बात सही होती है। कई दस दिन में करोगे फैसले? उसे जो है उसे घेरा है। हम दो भाई के अलावा का तीसरा व्यक्ति हो और तुम्हारे लड़के तुम्हारे पास कलुआ के संगे पांच लोग हो तो बात करना। पूछ लो ना, वहाँ पे पूछ लो, जितने हो उनसे पूछ लो। हम अकेले घर, केवल अकेले घर जा रहे थे अकेले। तो लल्ला तू मानेगा नहीं है? तो अरे मानेगा नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल बना था, हम घर जा रहे हो, मानेगा नहीं। भजिया योगी जी, मेरी रक्षा करो, गुंडों ने जीना हराम कर रखा है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद से बौखलाए दबंग अब फोन पर गंदी गंदी गालियां और जान से मारने की दे रहे हैं धमकी। यह उद्गार किसी आम जनमानस के नहीं बल्कि प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार के एक भाजपा कार्यकर्ता की है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल का है, जहां बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी बघेल के समर्थन में बूथ अध्यक्ष किशन चतुर्वेदी ने अपने भाई विमल चतुर्वेदी के सहयोग से मतदान के दिन भाजपा का बस्ता लगाया था, जिसको लेकर विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में कहासुनी होने के बाद 10 तारीख के बाद देख लेने की धमकी मिली थी। किशन चतुर्वेदी का आरोप है कि उसके व उनके भाई विमल चतुर्वेदी के साथ मतगणना के बाद से ही अब तक तमाम लोगों ने उसके साथ कई बार बदसुलूकी व हाथापाई की है, जिसको लेकर उसने करहल थाना कोतवाली में 5 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस की कार्रवाई व मुकदमा दर्ज होने से बौखलाए दबंग अब फोन पर भद्दी भद्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकी लगातार दे रहे हैं, जिससे परिवार दहशत में है। योगी जी, मेरी रक्षा करो, मैंने जब से बूथ अध्यक्ष का पद संभाला है और मैंने बस्ता लगाया है, तब से ये बसपा के गुंडे शमशाद मंसूरी पोपा ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हर गली में गुंडे लगा रहा है, सूज और तमंचों से मेरे ऊपर प्रहार किया है। अच्छा, आपने एफआईआर कराई है? एफआईआर कराई है, तब से धमकियां पे धमकियां और फोन पे अभद्र गालियां दे रहा है, घर में घुस के जान से मारने की धमकी दे रहा है। योगी जी, मेरी रक्षा करें, मैं बहुत परेशान हूँ।